तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई एनएसटी और साथ ही AEW डायनामाइट के बारे में, दोनों शो के बारे में। साथ ही बात करेंगे इन दोनों शो के बाद की कुछ अपडेट्स के बारे में, जहां पर वॉर गेम्स के लिए कुछ न्यू मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। साथ ही अगले हफ्ते के डायनामाइट के एपिसोड के लिए भी कुछ न्यू मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। तो सारी बातें करने वाले हैं आज की एनएसटी और डायनामाइट को लेकर, इस वीडियो में अपडेट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो आज फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एनएसटी के बारे में। तो वहां पर शो की ओपनिंग में मैच हमें देखने मिला था एम्बर मून वर्सेस कैंडिस लरे के बीच, और ये वाला मैच कह सकते हैं काफी ज्यादा सही था। मतलब हर बार यहाँ पर मैं तारीफ करता हूँ एनएसटी के या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेंस डिवीजन की, किस तरीके से यहाँ पर वुमेंस डिवीजन में ही मैचेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मैचेस बोर जाते हैं या फिर बेकार मैचेस हमें देखने मिलते हैं। मतलब वुमेंस डिवीजन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का मानना पड़ेगा काफी ज्यादा अच्छा, मतलब तारीफ के काबिल है। और बिल्कुल ये तारीफ के काबिल मैच हमें देखने मिला, मतलब काफी ज्यादा मजा आया इस मैच में, काफी अच्छा मैच था इस मैच में। तो यहाँ पर कैंडिस लरे की जीत हुई, और मैच के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो पूरी कैंडिस लरे की टीम है यानी कि रकेल गोंजालवेस, डकोटा काई, यहाँ पर वो अटैक कर देते हैं एम्बर मून के ऊपर। तो उनको बचाने के लिए आती है से टोनी स्टॉर्म और ये दोनों मिलके मतलब प्लान करते हैं कि रिंग में जाके हम इनको मारेंगे। लेकिन पीछे से हम क्या देखते हैं कि टोनी स्टॉर्म एम्बर मून के ऊपर अटैक कर देती हैं। तो यहाँ पर इनका हील टर्न हो चुका है। तो टोनी स्टॉर्म जो कि मुझे लग रहा था शायद यहाँ पर वो शॉटजी ब्लैक हार्ट की टीम में हो सकती है, जो कि वॉर गेम्स में होने वाला मैच, लेकिन यहाँ पर तो टोनी स्टॉर्म ने ज्वाइन कर लिया कैंडिस लरे की टीम को। और यहाँ पर कह सकते हैं शो की ओपनिंग में काफी शॉकिंग चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगला हमें देखना पूरी अनडिस्प्यूटेड एरा की टीम होती है, लेकिन आज यहाँ पर पैट मैफी की टीम थी नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली था क्या, क्योंकि हमें पता है मेन इवेंट में हमें एक लैडर मैच देखने को मिलने वाला था, तो पैट मैकफी की टीम से तो पता था कि कौन होने वाला है, वहां से पीट डन होने वाले थे। लेकिन यहां से एडम कोल बताते हैं तुम्हारी साइड से पीट डन है, तो यहां पर होने वाले हैं काइल ओ'रायली, क्योंकि हमने देखा था हैलोवीन हैविक के एपिसोड में यहां पर किस तरीके से काइल ओ'रायली के ऊपर अटैक हुआ था। तो उसके बाद यहां पर ऐसे ही कुछ सेगमेंट हमें देखने मिला था, काइल ओ'रायली का यहाँ पर नेम निकल के आया था, बाकी ज्यादा कुछ यहाँ पर था नहीं। अगला मैच हमें देखने मिलता है वो था कुशीडा वर्सेस टिमोटी टैचर के बीच, और इनके बीच मुझे मतलब टिमोटी टैचर के मैचेस में मुझे ज्यादा कुछ मजा आता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं इनके जो मैचेज होते हैं वो सबमिशन वाले होते हैं, ज्यादातर मैचेज में हमें सबमिशन ही देखने मिलता है, तो उतना मुझे ज्यादा कुछ मजा आता नहीं है। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर तो सबमिशन से कुशीडा की जीत हो गई, जहाँ पर टिमोटी टैचर ने टैप आउट कर दिया। रिंग साइड पर हम देखते हैं टॉमस और चेंपा भी बैठे हुए होते हैं, लेकिन टिमोटी टैचर ने मतलब टैप आउट कर दिया, काफ़ी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो तो एक रेसलिंग स्कूल चलाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं किस तरीके से आप सबमिशन डालो, किस तरीके से क्या करो, और गुरुजी यहाँ पर टैप आउट कर रहे थे, वो तो मुझे काफ़ी ज्यादा अजीब बात लगी। लेकिन यहाँ पर तो टिमोटी टैचर की हार हो गई, और बाकी का ज़्यादा कुछ यहाँ पर था नहीं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है केविन ओवेंस का केओ शो, क्योंकि आज की एनएसटी में केविन ओवेंस कमेंट्री टीम पर थे, और उनका केओ शो भी हमें देखने को मिल गया। और उनके यहाँ पर जो गेस्ट थे वो थे लियोन रफ, यानी कि हमारे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ने, और किस तरीके से यहाँ पर केविन ओवेंस पूरी मतलब लियोन रफ की वो जर्नी को याद करते हैं, किस तरीके से मतलब यहाँ पर तुमने टाइटल जीता, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग विक्ट्री थी। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बातें चलनी होती है, वहाँ से जॉनी गार्गेनो आते हैं, जॉनी गार्गेनो भी काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए होते हैं कि वो तो उस तुक्का लग गया था लियोन रफ का, बाकी का मुझे मेरा रीमैच चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर डैमियन प्रिस्ट भी आते हैं, और इनके बीच में आर्ग्यू होता है, जो कि हमें लग ही रहा था काफ़ी टाइम से कि इनके बीच हमें आगे चल के एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर वैसे ही होता है, इनके बीच में बहस होती है, और उसके बाद आते हैं वहाँ से एनएसटी जनरल मैनेजर विलियम रीगल, जो कि अनाउंस कर देते हैं कि वॉर गेम्स में इन तीनों ही सुपरस्टार के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिकन टाइटल के लिए। तो यहाँ पर इस सेगमेंट को कराने का यही मतलब था, जहाँ पर इन तीनों का यहाँ पर यह मैच अनाउंस हो गया। अगला मैच हमें देखने मिलता वो था कैमरन ग्राइम्स वर्सेस जेक एटलस के बीच, और इनके बीच ज्यादा कुछ लंबा मैच था नहीं इस मैच को, तो यहाँ पर कैमरन ग्राइम्स ने जीत लिया। मैच के बाद हम देखते हैं कैमरन ग्राइम्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वहां से आते हैं डेक्स्टर लूमिस, जो कि आके एक बार फिर से उनको डरा देते हैं, और उनके हाथ में एक पट्टा होता है स्ट्रैप होता है, जो कि इसको देख के लगी गया था कि अब आगे होने क्या वाला है। और बाद में विलियम रिगल बता देते हैं कि वॉर गेम्स में मैच हमें देखने मिलेगा डेक्स्टर लूमिस वर्सेस कैमरन ग्राइम्स के बीच, जो कि होने वाला है एक स्ट्रैप मैच। तो स्ट्रैप मैच हमें देखने मिलने वाला है इन दोनों सुपरस्टार के बीच वॉर गेम्स में। तो वहां पर तो अब कोई भी रास्ता होगा नहीं कैमरन ग्राइम्स के पास कि वो वहां से भाग जाएं, क्योंकि डेक्स्टर लूमिस के हाथ में उनकी कह सकते हैं डोर होगी कि जिससे वो इनको पकड़ के खींच लेंगे। इसके बाद हमें देखने मिलता है रिया रिपली का सेगमेंट, जहां पर हम देखते हैं रिया रिपली आके बताते हैं किस किस तरीके से यहां पर उनका मैच हुआ था ईयो शिराय के बाद, उन्होंने मतलब रिस्पेक्ट दिखाई थी मैच के लास्ट में, जो कि हमें देख के लग ही रहा था, और बताते हैं उसके बाद मतलब काफी सारी न्यूज, काफी सारे कुछ अजीब अजीब से रूमर्स निकल के आए कि पता नहीं अब होने के वाला है। तो वहां पर होता तो कुछ नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं वहां से कैंटिस लरे की टीम आती है, जो कि ईयो शिराय को लेकर आते हैं, जिनके ऊपर शायद उन्होंने अटैक वगैरह कर दिया था, तो वहां पर ईयो शिराय को उन्होंने मारा था। उसके बाद हम देखते हैं रिंग में आके ये सारे लोग रिया रिपली के ऊपर भी अटैक करते हैं, तो इस अटैक का मुझे मतलब दिखाई दे रहा है शायद आगे चल के जो शॉटजी ब्लैक हार्ट की टीम है उसमें शायद रिया रिपली और ईयो शिराय हमें देखने को मिले वॉर गेम्स के मैच में। तो मुझे इस वजह से लग रहा है इनके ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ है। इसके बाद हमें देखने मिलता है रिंग के अंदर होती है एवर राइज, और उनके ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं ग्रिजल्ड यंग वेंटरन्स, जो कि एक टैग टीम थी, काफी टाइम से गायब चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी वापसी कर ली, और वापसी के बाद यहाँ पर इन्होंने अटैक करा इनके ऊपर।
तो कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर थोड़ा टैग टीम डिवीज़न में ध्यान दे रही है, क्योंकि अभी टैग टीम डिवीज़न में एनएक्सटी के अंदर भी हम कुछ नहीं देख रहे हैं, रॉ स्मैकडाउन के अंदर तो देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन एनएक्सटी का भी टैग टीम डिवीज़न कह सकते हैं अभी खाली खाली सा पड़ा है। इसके बाद हमें देखने मिलता है शो का मेन इवेंट जो कि था पीट डनवर से कायल ओ'रायली के बीच जो कि था एक लैडर मैच, और ये वाला मैच कितना ज़्यादा बढ़िया था, कितना ज़्यादा बढ़िया मैच था, कमाल का मैच था, मतलब मज़ा आ गया मेन इवेंट में देख के। किस टाइप के मैचेज हमें देखने मिल जाते हैं वीकली शो में, उनको देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लैडर मैच हमें देखने मिल रहा है वीकली शो में और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी कमाल की रेसलिंग हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच देखने मिली, मतलब मज़ा आ गया इस लैडर मैच में। आपने ये वाला मैच देखा तो कमेंट करके बताना आपको ये वाला मैच कैसा लगा। और मैच का एंड हम इस तरीके से देखते हैं जहाँ पर काफ़ी बुरी हालत में कायल ओ'रायली लैडर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन पीछे से एक मास्क मैन आता है जो कि उनको गिरा देता है उस लैडर से, और उसके बाद पीट डन इस लैडर पर चढ़ के उस मतलब ब्रीफ केस को उतार लेते हैं और उनको अब एडवांटेज मिलने वाली है वॉर गेम्स के मैच में। तो इस तरीके से यहाँ पर शो एंडिंग होती हुई दिखाई दी। तो कह सकते हैं आज का एनएसटी का एपिसोड काफी ज्यादा सही था, कुछ अच्छे अच्छे मैचेज हमें देखने मिले, शॉकिंग चीजें देखने मिली, और वॉर गेम्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अनाउंस हो चुकी हैं। तो वॉर गेम्स की यहाँ पर बात चले तो बात कर लेते हैं वॉर गेम्स के कुछ न्यू मैचेस के बारे में, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहला मैच होने वाला है नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेड मैच, तो इन तीनों सुपरस्टार के बीच में हमें मैच देखने मिलने वाला है जहाँ पर लियोन रफ अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। अगला मैच होने वाला है डेक्स्टर लूमिस वर्सेस कैमरन ग्राइम्स के बीच, जो कि एक स्ट्रैप मैच होने वाला है जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। और साथ ही यहाँ पर जो शॉटजी ब्लैक हार्ड और कैंडिस लरी के बीच वॉर गेम्स मैच हमें देखने मिलने वाला है। यहाँ पर जो कैंडिस लरी की टीम है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पर उनकी साइड होने वाली है रकेल गोंजवालेस, डकोटा काई और साथ ही टोनी स्टॉर्म। अभी शॉटजी ब्लैकहार्ट की टीम में सुपरस्टार ऐड होना बाकी है, तो शायद हमें अगले हफ्ते ये सुपरस्टार रिवील होते हुए नजर आए। बाकी आज का एनएसटी का एपिसोड यहीं खत्म हो गया, कमेंट करके बताना आपको आज का एनएसटी का एपिसोड कैसा लगा। अब बात करें ईडब्ल्यू डायनामाइट के बारे में, तो वहां पर एपिसोड पहले से लीक हो गया था, मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, कल की जो रात वाली वीडियो आई थी मैंने उसमें आपको स्पॉयलर दिए थे, मतलब वीडियो के अंदर तो मैं वो स्पॉयलर दे नहीं पाया था क्योंकि कुछ रीजन की वजह से वो वहां पर मतलब लेट हो गई थी वीडियो, इस वजह से मैंने उस पार्ट को कट कर दिया, वरना रिकॉर्ड वगैरह सारी चीजें मैंने कर ली थी। लेकिन उसके कमेंट सेक्शन में मैंने किसी ने मुझसे पूछा था स्पॉइलर के बारे में, तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में कल रात को स्पॉइलर दे दिए थे होने के वाला, पूरा सुबह वैसे ही कुछ हमें देखने मिला, तो ज्यादा कुछ उतना मजा आया नहीं क्योंकि स्पॉइलर पहले से थे, पता सारी चीजें पहले से थी। तो इस वजह से आपको डायनामाइट के रिजल्ट हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी कुछ अच्छी चीजों की बात करें तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली और कैनी ओमेगा की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें देखने मिलती है जो कि आज हो चुकी है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैनी ओमेगा अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं, तभी वहां पर जॉन मॉक्सली आके पीछे से अटैक कर देते हैं उनके ऊपर और रिंग में आके एक जबरदस्त यहाँ पर प्रोमो कट करते हैं, उनको पैराडाइम शिफ्ट लगाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया यहाँ पर मॉक्सली ने, और अगले हफ्ते इनका मैच हमें देखने मिलने वाला है जो कि ऑफिशियल हो चुका है। तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आज हमें देखने मिली। साथ ही हिकारू सीडा वैसे एनआरजे का जो मैच था वहां पर, उस मैच में हिकारू सीडा ने अपने टाइटल को रिटर्न कर लिया, और मैच के बाद हम देखते हैं वहां से रिटर्न होता है एवरडॉन का जो कि वहां पर आती है, और हिकारू सीडा की हालत खराब हो जाती है उनको देख के, और एवरडॉन ने यहाँ पर टाइटल ले लिया हिकारू सीडा का, जो कि लग रहा है कि आगे चल के शायद एवरडॉन अब चैलेंज कर सकते हैं हिकारू सीडा को उनके AEW वुमेंस टाइटल के लिए। और मेन इवेंट में मैच हमें देखने मिला था बचर एंड ब्लेड वैसे पैक एंड रेव फीनिक्स के बीच, जो कि यहाँ पर इस मैच को बचर ब्लेड ने जीत लिया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी इंटरफेरेंस हमें देखने मिलती है बनी की तरफ से। मैच के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एडी किंगस्टन भी आते हैं जो कि अटैक करते हैं इन दोनों के ऊपर, और उसके बाद हमें सरप्राइजिंगली देखने मिलते हैं वहाँ पर लैंस आर्चर जिनका रिटर्न होता है, फिर वो हमें देखने को मिल गए थे जो कि यहाँ पर आके रिंग को क्लियर करते हैं, वो बचर ब्लेड एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करते हैं, और फिर यहीं आज का डायनामाइट का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी पता नहीं है लैंस आर्चर ने यहाँ पर क्यों अटैक करा, यहाँ पर क्या वो ज्वाइन करने वाले हैं डेथ ट्रायंगल के अंदर ज्वाइन होने वाले हैं, या फिर पता नहीं है। वैसे आज का डायनामाइट का एपिसोड यहीं खत्म हो गया, बाकी के जितने भी रिजल्ट हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वही सारी चीज़ें देखने को मिली थी यहाँ पर जो कि मैंने आपको कल बताई दी थी। और बात करें अगले हफ्ते के डायनामाइट के मैचेस के बारे में, जो कि उनका अगले हफ्ते का जो एपिसोड होने वाला है वो काफ़ी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि विंटर इज कमिंग करके AEW इसको मतलब एडवर्टाइज़ कर रही है, और हमें पता है वहाँ पर मॉक्सली और ओमेगा का मैच होने वाला है AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि काफ़ी ज्यादा बड़ा मैच है। AEW बता रही है कि उनका हिस्ट्री का सबसे AEW डायनामाइट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेन इवेंट होने वाला है, जो कि बिल्कुल होने ही वाला है डायनामाइट में, क्योंकि मॉक्सली वैसे ओमेगा एक अपने आप में काफ़ी ना बड़ा मैच है। तो इनका मैच हमें देखने मिलने वाला है अगले हफ्ते के डायनामाइट के एपिसोड में। साथ ही ब्रिट बैकर का भी यहाँ पर मैच होने वाला है, जो कि पता नहीं है मुझे ये सुपरस्टार कौन है, मुझे तो नई सुपरस्टार लग रही है, लेकिन इनका भी वुमेंस डिवीजन में मैच हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर डेरबी एलन और कोडी टीम अप होने वाले हैं, जहाँ पर वो फेस करने वाले हैं रिका को, साथ टैग टीम मैच अगले हफ्ते में देखने को मिलने वाला है। और साथ ही यहाँ पर एक बैटल रॉयल हमें देखने मिलने वाला है, जो कि होने वाला है डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए होने वाला शायद, जो कि हमने देखा था लास्ट टाइम जब ये बैटल रॉयल हुआ था उसको MJF जीत गए थे, और उनके पास उनकी डायनामाइट की डायमंड रिंग है जो कि हम देखते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर ये बैटल रॉयल होने वाला है। तो ये सारे सुपरस्टार शायद इस बैटल रॉयल के अंदर होने वाले हैं, और बाकी का क्रिस जेरिको का भी एक मैच होने वाला है जो कि होने वाला है फ्रेंकी कजारियन के साथ। तो ये कुछ सारे मैचेज अनाउंस हैं अगले हफ्ते के डायनासोर के लिए, जो कि काफ़ी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। विंटर इज कमिंग करके यहाँ पर इसको फीचर किया जा रहा है, तो अगले हफ्ते का डायनामाइट का एपिसोड कह सकते हैं काफ़ी ज्यादा बढ़िया जाएगा। कमेंट करके बताना आपको आज का डायनामाइट का एपिसोड कैसा लगा, और अगले हफ्ते के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि इतना
कमाल का कार्ड अनाउंस है अगले हफ्ते के डायनामाइट के एपिसोड के लिए। वॉर गेम्स के बारे में बताना, आज की एनएसटी आपको कैसी लगी इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं आना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।